Hello, my dear students. How are you all? I hope everyone is fine. So, all of you take out page number 58. आज हम कुछ प्रैक्टिस टाइम निकालेंगे. As you can see, प्रैक्टिस टाइम इट मीन्स आज कुछ करेंगे प्रैक्टिस. ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? टेंस एंड वंस. सबको टेंस एंड वंस पता है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. यहां पर कुछ बच्चे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं. ठीक है, आई विल से अ नंबर, गेस द ब्रेकअप. ओके, तो हमें ये लोग बच्चे जो गेम खेल रहे हैं उसके बारे में बता दूं थोड़ा सा. एक बच्चा नाम कोई नंबर बोलेगा, ठीक है, उसे ब्रेक करना है, तोड़ना है, उस नंबर को तोड़ना है. ठीक है, तोड़ के वो क्या बनेगा, वो आंसर होगा. चलिए देखते हैं कि बच्चों ने क्या किया है. जैसे कि इस बच्चे ने कहा कि मैं एक नंबर बोलूंगा और तुम्हें उसका ब्रेकअप, उसका उसको तोड़ना है, उसका टूटा हुआ पार्ट गेस करना है कि ये कैसे ब्रेक होंगे ऐसे. ओके, यू से इट, आई विल डू इट. तो ये बच्चा राजी हो जाता है कि हाँ ठीक है तुम बोलो, मैं उसे करता हूं. तो इस बच्चे ने नंबर बोला 64. तो इसने कैसे तोड़ा उसको, उस नंबर को कैसे अलग अलग किया? 60 + 4 कितना हो जाएगा? 64. समझ गए? 64 को कैसे तोड़ा इसने? 60 बोला प्लस 4, 60 में 4 मिला, हो गया 64. तो उसने उसे ऐसे तोड़ा, ब्रेक किया. नेक्स्ट नंबर क्या बोला बच्चे ने? 25. तो इसने 20 + 5 हो गया 25. गॉट इट? व्हाट्स द गेम? आई होप सबको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को चालू करो और सुनो. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट 12? हाउ विल यू डू दैट? ओके, तो अब ये पूछ रहा है कि 12 के बारे में क्या, 12 को कैसे तोड़ोगे तुम? सी, फॉर 64 एंड 25 द नंबर नेम्स टेल अस द ब्रेकअप. ठीक है, 64 और 25 में तो हमें क्या नंबर जो हैं उससे हमें पता चल गया कि 64 मीन 60 + 4, तो 64. 25 में क्या पता चला? 20 + 5 = 25. लेकिन 12 में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, उसमें तो ऐसा बोला ही नहीं है 10 + 2 = 10, 2 ऐसा तो है नहीं, उसमें तो 12 है. राइट, आई होप सबको समझ में आ गया कि इसमें क्या कंफ्यूजन है. ठीक है, तो बट 12 इज डिफरेंट, 12 थोड़ा अलग है. सो आर 11 एंड 19, और 11 और 19 भी अलग अलग है. ठीक है, और नेक्स्ट इज यहां पे क्या लिखा है, नाउ यू राइट दीज एंड ऑल्सो से देम अलाउड. ओके, अब आपको भी सेम एक्सरसाइज करनी है और जोर जोर से बोल कर करनी है. जैसे कि यहां पर लिखा है 27. 27 इज इक्वल टू 20 + 7, लाइक दिस. ठीक है, आपको भी ऐसे ऊंचा ऊंचा बोल के लिखना है. 31 इज इक्वल टू 30 + 1. ओके, नेक्स्ट इज 54. 50 + 4 है ना, ऐसे ही आपको करना है. चलिए नेक्स्ट इज यहां पे ब्लैंक स्पेस यहां पे दिया, इज इक्वल टू 90 + 9. सो हियर द आंसर विल बी 99. 63 इज इक्वल टू 60 + 3. 36 इज इक्वल टू 30 + 6. 80 + 2 इज इक्वल टू 82. है ना स्टूडेंट्स, आई होप सबको आंसर्स आ रहे हैं. अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट. ट्रिकी पार्ट क्या है यहां पर? अब बारी है 12 इज इक्वल टू 10 + 2. 19 इज इक्वल टू 10 + 9. 11 इज इक्वल टू 10 + 1. ओके, द अदर वन इज 10 + 7 हो जाएगा 17. 10 + 7 = 17. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.